दादरा नगर हवेली थी खबर मिली रही छे। आजे 24मी जून 2021 ना रोज दादरा नगर हवेली ना विविध मंदिरों ना प्रांगण में परिणित महिलाओं वट सावित्री पूर्णिमा ना व्रत नु पालन करीने तेमना पति ना लांबा आयुष्य अने तेमना परिवार में सुख शांति अने समृद्धि नी इच्छा करी हती। वट सावित्री पूर्णिमा ना आ शुभ दिवसे विवाहित महिलाओं वरियाड़ी ना झाड़ नी पूजा करे छे अने भगवान ना आशीर्वाद मेळवे छे। पूजा कर्या पछी महिलाओं एक बीजा पर सिंदूर पण लगावे छे। आ सिवाय ते पुजारी पासे थी सत्यवान अने सावित्री नी कथा सांभळवा माटे पण मंदिर जाय छे। पौराणिक कथाओ अनुसार सावित्रीए तेना पति सत्यवान ने एक वरियाड़ीना झाड़ नीचे बेसीने मृत्यु थी बचाव्यो हतो। सावित्रीए व्रत राखीने भगवान ने प्रार्थना पण करी हती। तेथी एवुं मानवामां आवे छे के वरियाड़ीना झाड़नी पूजा करवाथी घर में हमेशा सुख अने शांति रहे छे। तेमज केड़ाना झाड़मांथी निकळतो दूध आपणने अनेक रोगोथी छुटकारो अपावामां पण मदद करे छे तेवुं तेमणे जणाव्यु हतुं। यः समृतः पृथिवी रसास्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य पश्चाविदद्रूपमेति तन्नत्यस्यते देव त्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं बुरुघन् महन्तमादित्य। नाम दीपाली हेमंत पाटिल है। आज वट सावित्री का पूजन है। ये वट सावित्री का पूजन अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और अपने पति के लिए कि यही पति हमको सातों जन्म मिले इसके लिए ये वट सावित्री की पूजा की जाती है। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तो जयमुदीरये। भक्तों, आज अति पावन पवित्र दिन वट सावित्री पूर्णिमा भगवती सावित्री ने व्रत कर अपने पति सत्यवान को जैसे जीवनदान दिलवाया था नया, उसी प्रकार से आज बहनें वट की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं और साथ ही साथ ये कहती हैं कि मेरा सौभाग्य अखंड रहे। पिछली बार तो किसी कारणवश कोरोना से नहीं हो पाया था, इस प्रकार से पूजा घर पर ही किया था, ऑनलाइन भी किया था। इस बार सरकार श्री की गाइडलाइंस के अनुसार 15-20 बहनें आकर ये पूजा कर रही है। इस पूजा के माध्यम से यही प्रार्थना कर रही है कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे। गायत्री परिवार ट्रस्ट एवं रामजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऐसी सुचारू व्यवस्था की गई है कि जिससे किसी की प्रकार की अगवड़ता बहनों को ना हो और उनका व्रत परिपूर्ण हो। इस व्रत से प्रभाव से कोरोना काल भी मिटे, उनके पति को आयुष्य की प्राप्ति भी हो, उसी प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय।